हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर आज हम यू पी आई एस सी के ह्यूमन बॉडी इस टॉपिक पर क्विज लेने वाले हैं तो ये उसका पहला सेट है क्विज़ का ह्यूमन बॉडी तो सबसे पहला क्वेश्चन हाउ मेनी वॉल्व डज द ह्यूमन आर्ट हैव हमारे दिल में कितने वाल्व्स होते हैं यानी कि कितने वॉल्व हमारे ह्यूमन आर्ट में होते हैं तो उसके ऑप्शन है फाइव थ्री फोर या सिक्स इसका सही आंसर है फोर देर आर फोर वॉल्स इन द ह्यूमन आर्ट यानी कि चार वॉल्स होते हैं ह्यूमन आर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज इन द ब्लड मतलब ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में रेगुलेट करता है तो इसके ऑप्शन है थायरॉइड पैनक्रियाज लंग्स या किडनीस तो इसके ऑप्शन चार है थायरॉयड पैंक्रियास, लंग्स किडनीस तो उसका सही आंसर है सेकंड पैंक्रियास। पैंक्रियास पैंक्रियास इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच प्रोड्यूसेस इंसुलिन विच रेगुलेट्स द ग्लूकोज इन द ब्लड योअर पैंक्रियाज मेक्स अ हार्मोन कॉल इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन क्रिएट करता है इंसुलिन इंसुलिन हेल्प द ग्लूकोज गेट इन टू द बॉडीज सेल्स योर बॉडी गेट्स द एनर्जी इट नीड्स इंसुलिन है इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को टू गेट इन टू द बॉडी सेल्स बॉडी के सेल में जाने के लिए योर बॉडी गेट्स द एनर्जी नीड्स और आपकी हमारी बॉडी जो एनर्जी चाहिए होती है उस बॉडी को वो जितनी एनर्जी चाहिए होती है जितनी नीड होती है उतनी एनर्जी हमारे बॉडी को मिलती है सो पैनक्रियाज इज़ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच प्रोड्यूसेज इंसुलिन विच रेगुलेट्स ग्लूकोज इन द ब्लड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेंस सेवेंटी परसेंट ऑफ सेंसर्स यानी कि ह्यूमन uh, बॉडी का कौन सा पार्ट सत्तर टक्के सेंसर्स को यहाँ पे वहाँ पे होते हैं तो उसके ऑप्शन है ईयर टंग नोज आई यानी कि कान अपनी टंग यानी कि जो जीब जिसे कहते हैं जबान थर्ड नोज और फोर्थ आई नोज़ यानी कि नाक आई यानी कि आँखें

बाय द प्रोसेस कॉल कौन से प्रोसेस से वो ये होता है तो टॉक्सिंस आर एलिमिनेट थ्रू द ह्यूमन स्किन बाय द प्रोसेस कॉल्ड तो उस प्रोसेस का नाम क्या है मॉल्टिंग वेंटिलेटिंग स्वेटिंग या फोर्थ फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड स्वेटिंग स्वेटिंग फ्रॉम स्वेट ग्लैंड ऑफ्टन इन रिस्पॉन्स टू हीट एक्सरसाइज और स्ट्रेस एंड रिलीजस टॉक्संस स्वेटिंग फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग कहाँ से निकलते हैं स्वेट ग्लैंड से आफ्टर इन रिस्पॉन्स टू हीट यानी कि किसके रिस्पॉन्स से हीट के एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम या फिर कुछ एक्सरसाइज कर ली हमने और इससे स्ट्रेस से यानी कि तनाव से एंड रिलीजीज और टॉक्सिन रिलीज करते हैं टॉक्सिन आर एलिमिनेटेड थ्रू द ह्यूमन स्किन बाय द प्रोसेस कॉल स्वेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव डिफिशियंसी ऑफ वॉट कॉजिज द डिसज गोयटर किसकी डिफिशियंसी की वजह से गोयटर डिसीज होता है यानी कि कौन से तत्व के ना होने से यानी डिफिशियंसी यानी कि कम होने से कम होने से गोइटर डिसीज होता है ऑप्शन नंबर वन गोइटर यानी कि जो गले में होता है नॉर्मल थायरॉयड जो होता है वो फूल जाता है एनलॉर्ज थॉयटोर थायरॉयड यानी कि इस पदार्थ के डिफिशियंसी कम होने से वजह से जो थाइरॉयड होता है नॉर्मल थायरॉयड उसकी साइज बढ़ जाती है और एनलार्ज हो जाता है और इसको गोइटर डिसीज कहते हैं द डिफिशियसी ऑफ वॉट कॉज द डिस गोइटर पोटेशियम सोडियम आयोडीन मैग्नीशियम तो ये है है। तो किसकी डिफिशियंसी से गोइटर होता है ऑप्शन नंबर थर्ड आयोडीन की कमी से गोइटर और गोइटर इज ए स्वेलिंग इन द नेक रिजल्टिंग फ्रॉम एन ग्लैंड गोइटर गोइटर और ये एक स्वेलिंग होती है नेक में यानी कि गले में रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनलार्ज एनलास्ट ग्लैंड इसकी वजह से जो तो थार, ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाते हैं बढ़ जाती है अ गोइटर कैन बी एसोसिएटेड विद ए एड दैट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली वर्ल्ड वाइड और नाइन्टी परसेंट ऑफ द गोइटर केसेस आर कॉज बाय द आयोडीन डिफिशियंसी यानी कि वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में जितने भी गोइटर के केसेस होते हैं उनमें से नब्बे टक्के नब्बे परसेंट गोइटर होता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स एनीमिया इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ वॉट इन द ब्लड एनीमिया ये किसके डिफिशियंसी डिफिशियंसी से होता है ब्लड में यानी कि ब्लड में किस पदार्थ की डिफिशियंसी से एनीमिया ये बीमारी होती हैं प्लाज्मा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन थर्ड रेड ब्लड कार्पस्केल्स एंड फोर्थ व्हाइट ब्लड कार्पस्केल्स तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू हीमोग्लोबिन एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच यू डोंट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज हैविंग एनेमिया मेक मेक यू फील टायर्ड एंड वीक एनिमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे यू डोंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उतने नहीं होते जितनी उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती तो है टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज और रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज तक पहुँचाना तो अगर रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से जितना ऑक्सीजन पहुँचता है बॉडी टिश्यू तक या फिर जितने बॉडी टिश्यू तक पहुँचते कम बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुँचता है Having anemia make you feel tired and weak. अगर आपको एनिमिया ये बीमारी है तो आप टायर्ड और वीक महसूस करेंगे देर आर मेरी फॉर्म ऑफ एनिमिया एनीमिया के कई फॉर्म्स होते हैं और अलग अलग कॉज होते हैं एनिमिया कैन बी टेम्पररी और लॉन्ग टर्म एनीमिया टेम्परेरी भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है एंड इट कैन रेंज फ्रॉम माइल टू सेवर और इसकी रेंज माइल टू सेवर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन लैक ऑफ विच पिगमेंट कॉजेस अल्बिनिजम इन पीपल किस पिगमेंट के ना होने से या फिर कम होने से अल्बिनिज्म लोगों में होता है ये बीमारी अल्बिनिज्म तो वो ऑप्शन है मिला मिलानिन पिगमेंट इंसुलिन पिगमेंट किराटिन पिगमेंट या आयोडिन पिगमेंट तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किस पिगमेंट की कम होने से या फिर ना होने से अल्बिनिज्म ये बीमारी होती है या फिर ये कंडीशन होती है मिलामाइन इंसुलिन रेटीन या आयोडिन इसका सही आंसर है मिलानिन मिलानिन इज द पिगमेंट विच ड्यू टू द लैक ऑफ दिस पिगमेंट अल्बिनिज्म इज इन पीपल यानी कि लोगों में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरासाइट दैट इज फाउंड टू लिव ऑन द ह्यूमन हेड तो कौन उस पैरासाइट का नाम क्या है जो ह्यूमन हेड के हेड में पाया जाता है यानी कि कोई पैरासाइट अगर ह्यूमन हेड में चला जाता है तो वो कौन सा होता है उसके ऑप्शन है लाउस टर्माइट, डस्ट माइट और फोर्थ ऑप्शन इज फ्लिया इन चारों में से कौन सा पैरासाइट ह्यूमन हेड में एज ए मतलब नीचे देखने में से कौन सा जो ये होता है क्रिएचर होता है वो ह्यूमन हेड में पाया जाता है तो ला, उसके ऑप्शन है लाउस टर्माइट डस्ट माइट या फ्ली तो इसका सही आंसर है लाउस लाउस इज़ द ज दैरासाइट दैट इज फाउंड टू लिव ऑन द्यूमन एड तो लाउस उसका नेम है उस पैरासाइट का जो कि ह्यूमन हेड में जिंदा पाया जाता है या फिर नंबर नाइन वॉट इज द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा होता है थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस नियरली थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस नियरली थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस या नियरली नाइनटी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरानाइट या ऑप्शन फोर्थ बी एंड सी दोनों नियरली थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड नियरली नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरानाइट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ और अब आप, आपको ये क्वेश्चन पड़ेगा कि थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरानाइट ये एक ही टेम्परेचर का हुआ ये नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का ह्यूमन बॉडी का बताया गया कैसे द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज जनरली एक्सेप्टेड एज नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फेरानाइट यानी कि थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस Some studies have shown that the normal body temperature can have a wide range from 97 Fahrenheit to that's mean 36.1 degrees Celsius to 99 Fahrenheit and 37.2 degrees Celsius. A temperature over 100.4 degree Fahrenheit that's mean 30 degrees Celsius most often means you have a fever caused by an infection or illness. If your body temperature थर्टी एट डिग्री सेल्सियस यानी कि हंड्रेड पॉइंट फोर डिग्री फेनानाइट हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको फीवर हो चुका है इन्फेक्शन की वजह से या फिर इलनेस की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर एंजिना एंजिना का कॉमन नेम कौन सा है हार्ट अटैक स्ट्रोक कॉमन कोल्ड हेड एक् तो नीचे दिए गए में से कौन सा कॉमन नेम है एंजिना का हार्ट अटैक स्ट्रोक कॉमन कोल्ड या हेड एक् तो इसका सही आंसर है हार्ट अटैक एंजिना इज ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंजिना का क्या है एंजिना एक टाइप का चेस्ट पेन है जो छाती में हमें पेन होता है किसकी वजह से तो रिड्यूज फ्लो टू द हार्ट जो ब्लड फ्लो होता है हमारे हार्ट में वो कम हो जाने की वजह से उसके कई कारण हो सकते हैं आर्टरी का सिकुड़ जाना और और भी कई कारण होते हैं उसके जो हम आगे देखेंगे इज एड टाइप ऑफ चेस्ट पेन पॉज बाय रिड्यूज ब्लड फ्लो टू द हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एलेवन विच ऑफ दिस डिसीज एफेक्ट द ह्यूमन आई नीचे देखने में से कौन सा डिसीज ह्यूमन आई को अफेक्ट करता है ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स ऑप्शन नंबर टू बेरी बेरी ऑप्शन नंबर थ्री कैटरैक्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ फ्लूरिसी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड कैटरैक्ट कैटरैक्ट इज ए क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई दैट अफेक्ट्स विजन कैटरैक्ट एक क्लाउडिंग होता है लेंस के ऊपर इन द आई दैट अफेक्ट्स विजन जो विजन को अफेक्ट करता है मोस्ट कैटरैक्ट्स आर रिलेटेड टू एजिंग यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैटारैक्ट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं कैटारैक्ट्स आर वेरी कॉमन इन ओल्डर पीपल कैटारैक्ट्स ये वेरी कॉमन होता है ओल्डर पीपल में बाय द एज एटीन

सीजर्स जिसे सीजर्स से कैटराइज किया जाता है इपिल्स का ड्रॉपसी प्लूरिसी या विटिलिगो इन चारों में से इपिल्सी इलिप्सी इप, इप इपिल इपिलेसपी ड्रॉपसी फ्लूरिसी विटिलिगो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन इपिलेप्सी इपिलेप्सी इज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स एबनॉर्मल कॉजिंग सीजर्स और पीरियड्स ऑफ अनयूजल बिहेवियर सेंसेशन एंड समाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस इपिलेपसी इज ए ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोजिकल डिसऑर्डर होता है जहाँ पर ब्रेन की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है कॉजिंग सीजर्स और पीरियडस ऑफ़ अन्यूज बिहेवर सीजर्स होते हैं पीरियडस होते हैं अनयूजअल बिहेवियर के सेंसीशन होते हैं और समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस और कभी कभी लॉस ऑफ अवेयरनेस भी हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विटिलीगो इज ए डिसीज़ दैट अफेक्ट्स विच ऑफ दिस विच ऑफ दिस विटी लोगो एक डिसीज होता है जो निचे देह में से किसको अफेक्ट करता है उसके ऑप्शन ए है लंग्स बी नवस सी स्किन फोर्थ हार्ट तो विटी लोगो एक डिसीज है जिसके इफेक्ट की वजह से जिसका इफेक्ट लंग्स पे पड़ता है नव्स पर पड़ता है स्किन पे पड़ता है हार्ट पे पड़ता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड स्किन विटिलिगो ऑकर्स व्हेन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स डाई और स्टॉप फंक्शनिंग विटिलिगो तब ऑकर होता है जब पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स मर जाते हैं या फंक्शनिंग करना स्टॉप कर देते हैं लॉस ऑफ स्किन कलर कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द माउथ एयर एंड आइज जो लॉस ऑफ स्किन कलर होता है वो अफेक्ट करता है बॉडी के किसी भी पार्ट पर इंक्लूडिंग माउथ यानी कि आपका मुंह हेयर एंड आइज यानी कि बाल और आँखों को भी इट मे बी मोर नोटिसेबल इन पीपल विथ डार्कर स्किन ये बहुत सारे लोगों पे मतलब इट मे बी मोर नोटिसेबल ये बहुत ज़्यादा नोटिसबल होता है उन लोगों का जिनकी स्किन डार्क होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन कैंसर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड अगर कोई डॉक्टर कैंसर ट्रीटमेंट पे स्पेशलाइजेस हो यानी कि उसने स्पेशलिटी करके हो तो उसे क्या कहा जाता है नेप्रोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट पैड्री पैडट्रिशन या न्यूरोलॉजिस्ट तो न्यूरोलॉजिस्ट इन चारों में से कौन सा वो उसे डॉक्टर कहा जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू ऑनकोलॉजिजिस्ट ऑनकोलॉजिस्ट या फिर भी आ, ऐसे भी आप प्रोनाशन कर सकते हैं और डॉक्टर स्पेशलाइजेस इन कैंसर ट्रीटमेंट इज कॉल ऑनकोलॉजिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट फॉर ए हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट पर मिनट हेल्दी पर्सन के कितना होता है सत्तर एटी सेवेंटी एटी नाइन्टी या हंड्रेड बहुत ही सिंपल आंसर है इसका सही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सेवनटी सेवनटी इज द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट फॉर ए हेल्दी पर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन बाइल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन इज सीक्रेटेड इन द बाइल जो कि इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए वो उसे कौन सीक्रेट करता है किडनीज लंग्स लिवर या पैनक्रियाज तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड लीवर वाइल विच इज इंपोर्टेंट फॉर डाइजेशन इट इज सीक्रेटेड इन द लीवर पे सीक्रेट होता है किससे होता है एच वन एन वन एच आई वी एच वन बी वन या एच वन एन टू इन चारों में से किससे स्वाइन फ्लू होता है या फिर किस वायरस से स्वाइन फ्लू होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन एच वन एन वन स्वाइन फ्लू एच वन एन वन एंड एच थ्री एन टू इन्फ्लुएंजा वायरस फैक्ट्स स्वाइन फ्लू इज एस रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरसेस दैट इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ पिग्स एंड रिजल्टिंग इन ए बार्किंग कफ डिक्रीज एपेटाइट नसल सिक्रेशन एंड लिस्टलेस बिहेवियर द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूम स्वाइन फ्लू इसे एच वन एन वन या फिर एन थ्री एन टू एच थ्री एन टू इन्फ्लुंसा वायरस से भी होता है स्वाइन फ्लू एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होता है किससे वजह से, से किसके वजह से होता है तो इन्फ्लुंजा वायरस के वजह से जो इफेक्ट करता है रेस्परेट ट्रैक्ट ऑफ पिक्स यानी कि जो पिक्स uh, के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसको वो इफेक्ट करता है एंड रिजल्ट इन द बारकिंग कफ़ यानी कि बारकिंग कफ होती है उस उन्हें डिक्रीज हपिटाइट उसकी उनकी हेल्थ कम हो जाती है खाना पीना कम कर देते वो नसल सिक्रेशंस होते हैं एंड लिसलेस बिहेवर और लिसलेस बिहेवर हो जाता है उनका और वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस और उनसे ह्यूमंस पे वो ट्रांसमिट हो जाता है नेक्स्ट जो जो कौन सीक्रेट करता है कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करता है उसे बॉडी में पिटिटोरी एड्रीनल टीयर ग्लैंड या थारॉयड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो सीक्रेट करता है विज ग्लैंड किस ग्लैंड से वो सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी एड्रीनल टीयर ग्लैंड या थारॉयड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू एड्रीनल इसका एक्सप्लेनेशन कॉर्टिसोल इज ए स्टीरायड हार्मोन ये एक स्टीरायड हार्मोन है इन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्लास ऑफ हार्मोन्स ग्लूटोकॉर्डो क्लास होता है हार्मोन्स का उसका कोरिस्ट्रोल इज ए स्टेरॉयड हार्मोन व्हेन यूज्ड एज ए मेडिकेशन इट इज नोन एज हाइड्रोकॉर्टिसोन अगर इसे मेडिटे मेडिकेशन यानी कि किसी दवाई से नाम से यूज किया जाता है तो उस दवाई को हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं इट इज़ प्रोड्यूस इन मेनी एनिमल्स मेनली बाय द जोना फास फासकी कुटा ऑफ द एड्रनल कॉर्टेक्स विद इन द एड्रनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड में जो एडिनल कॉर्टेक्स होता है उससे यानी कि जोना फैजली फासकी कुटा uh, fas जो एडिनल कॉर्टेक्स का होता है जो एडिनल ग्लैंड में होता है उसमें से ये प्रोड्यूस होता है मेनी एनिमल्स में कई एनिमल्स में इट इज़ प्रोड्यूस इन अदर टिश्यूज़ इन लोअर क्वान्टिटीज़ और ये जो कॉर्टिसल होता है वो अदर टिश्यूज़ में भी आ, होता है प्रोड्यूस होता है लेकिन कम क्वान्टिटी में होता है लोअर क्वान्टिटीज में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ दिस डिसीजेज इफेक्ट द ह्यूमन माइंड निचे देखियों में से कौन सा डिसीज ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करता है सीजोपेरिमी पेरिमिया पेरिमिया एनीमिया लुकीमिया या डिप्तरिया मैं फिर से ऑप्शन दोहराता हूँ सिज़ोपेरेनिया एनीमिया लुकीमिया या डिप्तरिया तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन सीजोपेरेमिया पेरेनिया सिज़ोपेरेनिया इज ए क्रोनिक एंड सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स अ पर्सन थिंक्स फील्स एंड बिहेव्स पीपल विथो सीजोफेरिनिया मे सीम लाइक दे हैव लॉस्ट टच विथ रियालिटी अल्थो निया इज नॉट एज कॉमन एज अदर मेंटल डिसऑर्डर्स द सिम्टम्स कैन बी वेरी डिसेबलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विजडम टूथ अपेयर इन ए ह्यूमन बींगज बिटवीन विजडम टूथ अपेयर होता है ह्यूमन बींग में जब उसकी एज होती है फोर टू एट अवर्स टेन टू फोर्टीन अवर्स सेवनटीन टू थर्टी अवर्स या थर्टी टू फोर्टी अवर्स विजडम टीथ ह्यूमन बीग में कब अपेयर होते हैं जब उसकी एज इस, 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 इसके द, आ, दौरान होती है चार से आठ साल दस से चौदह साल सत्रह से तीस साल या तीस से चालीस साल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सेवनटीन टू थर्टी ईयर्स जो विजडम टीथ होते हैं वो अपेयर होते हैं ह्यूमन बीग में जब उनकी एज सत्रह से तीस साल की में बीच में होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉज बाय जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का ये किसकी वजह से होता है अल्गे की वजह से फंगाई की वजह से बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से दर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉज्ड बाय द ऑप्शन नंबर थर्ड बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉज बाय द बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जेनेटिक कोड ऑफ डी एन एज कैरिड फ्रॉम न्यूक्लियस टू रेबोजो डीएनए का आउट होता है ट्रांसफर आर एन ए आर आर एन ए आर डी एन एस डी एन एम डी एम आर एन एनि की मैसेजर आर एन ए तो इन चारों में से कौन होता है जो जेनेटिक कोड यानी कि डीएनए को न्यूक्लियस से राइबोसोम तक का सफर करवाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर एम आर एन ए डी ऑक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ टू चेन्स दैट कॉइल अराउंड इच अदर टू फॉर्म ए डबल हिलिक्स कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपमेंट फंक्शनिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी वायरसेस जो डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है कंपोज ऑफ टू चेन्स दैट कॉइल अराउंड इच अदर एक दूसरे के एक दूसरे से वो कॉयल करते हैं दो चेंज टू फॉर्म इ डबल हेलिक्स एक डबल हेलिक्स यहाँ पे वो फॉर्म करने के लिए कैरिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द दे डेवलपमेंट और उन उनमें क्या होते हैं तो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डेवलपमेंट फंक्शनिंग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म की मदद करते हैं और मेनी वायरसेस यानी कि वायरसेस में भी वो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बायल इज सिक्रेटेड बाय

मॉस्किटो वॉटर अल्टर एडल्टरेटेड फूड या वायरस इन चारों में से सही आंसर है वायरस की वजह से पोलियो शॉर्ट फॉर पोलियो मायलिटीज ये शॉर्ट फॉर्म है पोलियो मायलिटीज का जो पूरा नाम है और इनफेंटाइल पैरालिसिस और इनफेंटाइल पैरास पैरालिसिस इज एन इन्फेक्शस डिसीज कॉज बाय द पोलियो वायरस इन अबाउट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ केसेस देर इज मसल वीकनेस रिजल्टिंग इन एन टू मूव दिस कैन ऑकर और ए फ्यू ईयर्स टू ए फ्यू डेज तो इसी तरह से आ, यहाँ पे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अपने कम्प्लीट कर लिए ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूपी सी आई एस सी साइड के तो ये पहला सेट था उसका ह्यूमन बॉडी का इस तरह से हम सेट आपके लिए लाते रहेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से आप मोटिवेटेड रहे पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहे डिसिप्लिन में रहें थैंक यू धन्यवाद